हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू डोंट अ डॉक्टर वंस अगेन। अब मैं ये काफ़ी टाइम के बाद एक हेल्थ टिप लेकर आया हूँ इस वीडियो में, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया हुआ है इस चैनल में मैं लेकर आता हूँ ड्रोन्स की इन्फॉर्मेशन, टैग जो मैं यूज़ करता हूँ और हेल्थ टिप समटाइम्स। अब मैंने देखा काफ़ी टाइम हो गया मुझे कोई हेल्थ टिप आपको नहीं दी है, और हेल्थ टिप ऐसे ही मैं देता हूँ जो कि आप यहाँ से सुनकर अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ऐसा कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं देता मैं यहाँ पर कि वो दवाई है और आपको परमिशन चाहिए, साइन चाहिए मेरे, तब आप ये बेसिकली जर्नल होते हैं, सप्लीमेंट हो गया या हेल्थ सप्लीमेंट हो गया उसके बारे में बताता हूँ। लास्ट मैंने बताया था गिलोय टैबलेट के बारे में, आज मैं आपको बताने वाला हूँ फ्लैक्स सीड्स के बारे में। फ्लैक्स सीड्स अलसी के बीज की बात कर रहा हूँ। अब ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है अगर आप इसको कंज्यूम करते हैं तो। इसे कोई भी कंज्यूम कर सकता है, नेचुरल है, और सबसे बड़ा एडवांटेज इसमें, सबसे बड़ा जो मेरे को लगता है और जो काफ़ी ज़्यादा रिक्वायर्ड है, डायबिटीज़ के लोग बहुत ज़्यादा हैं इंडिया के अंदर, और उसमें अगर आपके ब्लड शुगर लेवल हाई हैं और ये अगर आप लेना शुरू कर दो डेली। लेना कैसे है सबसे पहले आपको बताता हूँ। खाली पेट लें एक चम्मच या दो चम्मच, जितना आपकी कैपेसिटी है, एक चम्मच तो मिनिमम है, सुबह लें खाली पेट पानी के साथ। ठंडा पानी पसंद है तो ठंडा से लें, अगर गुनगुना पानी ले सकते हो तो वो साथ में लें। अब इसके फ़ायदे आपको बताता हूँ मैं। फ़ायदा, सबसे पहला फ़ायदा इसका ये है कि अगर आप इसको रेगुलरली लेना शुरू कर देते हो तो आप अपना मॉनिटर करो ब्लड शुगर को, वो कंट्रोल होनी शुरू हो जाएगी। अब इसमें ये नहीं है कि एक्सट्रीम केसेस में जो इंसुलिन लेते हैं वो लोग ये शुरू कर देंगे तो वो इंसुलिन बंद कर दें, दैट इज़ नॉट आई एम सेइंग। जो कि अभी शुरुआती में जिनकी 300, 400, 500 शुगर रहती है वो अगर इसको स्टार्ट कर देंगे, रैंडम की बता रहा हूँ, फास्टिंग वाली बता रहा हूँ, जिनकी फास्टिंग में 300, 400, 500 शुगर है वो ये चीज़ लेना शुरू कर दें, अलसी फ्लैक्स सीड्स एक या दो चम्मच सुबह खाली पेट, तो उनकी शुगर कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। तो पहला इनका फ़ायदा शुगर के अंदर है। दूसरा, इसमें अगर आपको कब्जी कॉन्स्टिपेशन रहती है, कॉन्स्टिपेशन ये हाई फाइबर होता है इनमें, और ये आप डेली गुनगुने पानी से लेंगे तो आपका कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन की एक ऐसी प्रॉब्लम है जो दूसरी बीमारियों का पैदा करती है, तो इस पर अगर आप कंट्रोल कर लें, कोई चूर्ण कोई कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है। फ्लैक्स सीड नेचुरल अलसी के बीज एक चम्मच या दो चम्मच सुबह गुनगुने पानी के साथ खाली पेट लो, आपका कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम गायब। तीसरा, कोलेस्ट्रॉल। अब काफ़ी हार्ट पेशेंट्स भी हैं इंडिया में, और स्टार्टिंग यहीं से होती है। कोलेस्ट्रॉल आपका अगर हाई है तो आपके आगे आपको हार्ट डिजीज़ हो सकता है, तो उसको कंट्रोल करना है, अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल करना है, देन अगेन यू टेक 1 to 2 चम्मच सुबह, एंड आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल आप चेक कर लें, महीने के बाद आपको फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। नंबर 4, वेट लॉस। अब ये भी बीमारी बहुत है इंडिया में, जंक फूड खाने से, लैक ऑफ वर्कआउट्स एंड ऑल दैट, उसमें भी ये बहुत कारगर चीज़ है। आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा अगर आप इसको एक या दो चम्मच डेली लेते हैं गुनगुने पानी के साथ खाली पेट, तो वेट लॉस में भी ये काफ़ी, आपका बेली का फैट जो, और ये सब इसमें आपको मैनेजमेंट में हेल्प करता है। बीपी की प्रॉब्लम, तो जितने भी मेजर यहाँ पर रोग हैं इंडिया के अंदर वो सबको ये सॉल्व करता है। बीपी अगर आपको प्रॉब्लम है और आप ये लेना शुरू कर दो, आपका महीने के अंदर देखना बीपी कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और सबसे बड़े आप जिसके ऊपर मेरी रिसर्च है, कैंसर। कैंसर की जड़ जो होती है ना, कई तरह की लाइफस्टाइल के बेसिस के ऊपर, गलत जंक फूड खाने के, जितने भी आपकी ये प्रॉब्लम है ना, ये डायबिटीज़, ये आपका हैवी वेट और बीपी, ये जितनी भी इररेगुलरिटीज़ आपको में आ रही हैं वो अल्टीमेटली कैंसर में कन्वर्ट होती हैं लेटर ऑन जाके, डिपेंडिंग अपॉन किसी में शुरू में हो जाती हैं किसी में, तो अल्टीमेटली कैंसर तक को ये प्रिवेंट करता है अगर आप फ्लैक्स सीड लेते हैं। वो कैसे, क्योंकि अगर आप फ्लैक्स सीड्स डेली लेने शुरू कर देंगे आपका मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होगा, मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होगा तो आपका वेट कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा, वेट कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा तो आप फिट रहेंगे, उसके साथ साथ आपका शुगर लेवल मेंटेन नहीं करता है, आपका बीपी भी ये मेंटेन रखता है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ये मेंटेन रखता है,
अब ये सारी चीज़ें करने के बाद इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सुबह फ्लैक्सीड ले लिए तो आप सब कुछ दबा के खाने लग गए। डाइट कंट्रोल हमेशा रहता है इन चीज़ों के साथ, वो आपने नहीं छोड़ना। अगर आपने वो छोड़ दिया फ्रेंड्स डाइट कंट्रोल को, देन यू विल हैव प्रॉब्लम। ठीक है, तो वो आपने कभी भी नहीं छोड़ना। तो फ्लैक्स सीड्स एक बहुत ही बढ़िया उपाय मैंने आपको बताया, शेयर किया है, और इसका कोई टोटली नेचुरल है, कहीं से भी आपको मिल जाएगा, करियाने की दुकान से जहाँ पर अवेलेबल हो, बाकी ऑनलाइन भी अवेलेबल रहते हैं। अब इसके बीच में एक और चीज़ आती है, फ्राइड वाले और रोस्टेड आते हैं, वो मत लें। यहाँ पर मैं एक टिप दे रहा हूँ, ये जो ट्रीटमेंट हो जाता है ना चीज़ के साथ, रोस्टेड कर रोस्ट करके दे दिया, फ्लेवर बढ़ा दिया, नमक लगा दिया, ये मत करो। सिंपल अलसी के बीज लेने हैं, सिंपल, कुछ भी उसका ट्रीटमेंट, रोस्टेड नहीं लेने, नमक वाले नहीं लेने, सिंपल दो बीज दो अलसी का, फ्लैक्स सीड्स, और पानी गुनगुने पानी के साथ, या ठंडे पानी, अगर गुनगुना पानी पसंद नहीं तो ठंडे पानी के साथ डेली लेना आपने। ठीक है, अब इसमें कोई भी आपका क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, तुरंत आपको रिप्लाई मिलेगा। थैंक यू, स्टे हेल्दी।